हेलो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग सभी? काफ़ी बच्चे से नाराज़ हो रहे हैं कि सर अभी कुछ दिनों बाद में हमारे बोर्ड एग्ज़ाम है और यहाँ पर मतलब कि क्रिकेट का यहाँ पर मेंटी लेकर आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हेलो, यहाँ पर नमस्कार भूमिक सर, आज आईपीएल के क्वेश्चन पूछोगे? हाँ पूछ लेंगे सर। लाइक कर दिया, थैंक यू। यहाँ पर थैंक यू एडिटोग्राफी, थैंक यू सो मच। माइक को पास में लेकर आए, स्लो आ रही है आवाज़, अभी तो ठीक आ रही होगी आप लोगों को। हेलो हेलो, हाय हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। तो अभी यहाँ पर कुछ बच्चे नाराज़ हो रहे हैं, कह रहे हैं कि सर मतलब कि एग्ज़ाम है कुछ दिनों बाद। अच्छा एक बार कमेंट करके बताओ कि आपके एग्ज़ाम डेट कब है। एक बार सभी बच्चे अपने कमेंट लिख के बताएंगे आपके एग्ज़ाम डेट कब है, बताइए बच्चों। मतलब डेट मंथ भी लिखना साथ में, आप लोग मंथ भी लिखना आप लोग। ओके 27 अप्रैल, 27 अप्रैल। ओके फर्स्ट इंग्लिश है आपके, तो आज कितने अप्रैल हो गए? 14 अप्रैल। अरे कोई बात नहीं, तब तक तो अपन बहुत कुछ कर जाएंगे। तो पहले तो ये बताओ कि सिंपल स्पोर्ट्स का रखें या फिर क्रिकेट का रखें अपन यहाँ पर, बताओ। स्पोर्ट्स का रखते हैं, तो देखो ध्यान रखना ऐसे नहीं है, कुछ आपके नॉलेज के लिए भी क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो पहले स्पोर्ट्स का रखेंगे, उसके बाद में बच्चों अपन रखेंगे यहाँ पर क्रिकेट स्पेशल रखेंगे, ठीक है ना? ओके सिंपल स्पोर्ट्स का रख रहे हैं अपन। चलिए तो ठीक है, आप लोगों में कोर्स शो कर रहा हूँ और आप लोग जल्दी आ जाइए। अरे आज आज की बात है, कभी कभी चलता है यहाँ पर, कभी कभी तो स्पोर्ट्स वगैरह चलता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए मैं आपको कोर्स शो करता हूँ और आप लोग लॉगिन करो। चलिए ये कोड है बच्चों, आप लोगों को यूज़ करने हैं। सर मुझे मॉडरेटर टाइम आउट दे दिया है, मैंने बनाया बनाया या और मुझसे पहले रावत। तो बच्चों देखो जल्दी से आओ यहाँ पर। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सर मुझे मॉडरेटर ने टाइम आउट दिया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए तो चलिए जल्दी से रेडी हो जाइए आप लोग, और सभी फटाफट से लॉगिन करेंगे यहाँ पर। स्पोर्ट्स का मेंटी क्विज रहने वाला है बच्चों, यहाँ पर राउंड तो टू रहने वाले हैं, जहाँ पर एक मतलब जनरल स्पोर्ट्स के जो मतलब की जो क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं। देखेंगे आपके बेसिक कितने अच्छे हैं आप लोग स्पोर्ट्स को लेकर। ओके हाँ, पढ़ाई के साथ थोड़ी मस्ती भी। मस्ती क्या है इसमें, मतलब कि हाँ थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट जरूरी है बच्चों, लाइफ में चेंज होना जरूरी है। डेली मार्वल का मेंटी, अब देखो यहाँ पर कुछ मार्वल के भी फैन आ गए यहाँ पर, कह रहे हैं कि मार्वल का मेंटी सर, मतलब कि गेम में यहाँ पर दिक्कत हो रही है और आप यहाँ पर मूवीज़ की बात कर रहे हो, यहाँ पर हॉलीवुड मूवीज़ की बात कर रहे हो, कुछ बच्चे बहुत नाराज़ हो जाएंगे। तो कोड शो नहीं हो रहा क्या आप लोगों को? कोड शो नहीं हो रहा आप लोगों को? अभी देखना है कि भाई यहाँ पर कोड किसका कितना। अच्छा किसी का तो इसमें से कोई सा भी नहीं है। टेनिस किसी का नहीं है, वॉलीबॉल किसका नहीं है, कैरम बोर्ड किसी का नहीं है, मतलब क्रिकेट और फुटबॉल, फुटबॉल के भी फोर हो गए हैं। चलिए ठीक है, फिर तो ऐसा लग रहा है कि एक टाइम फुटबॉल का लेकर आना चाहिए मेंटी क्विज। ज्वेलिन थ्रो, अरे यार गेम का नाम लिखो तो नाम ही कम पड़ जाएंगे बच्चों यहाँ पर, अगर नाम लिखे तो नाम कम पड़ जाएंगे, इतने सारे गेम होते हैं तो किन किन का नाम लिखें। तो ऐसे मैंने जो मोस्ट कॉमन जो मुझे लगते हैं वो मैंने लिख दिए यहाँ पर। ओके तो बच्चों जो यहाँ पर गेम पर जो क्यूज होने वाला है, यहाँ पर टू राउंड रहने वाले हैं, जहाँ पर एक में तो अभी जो फर्स्ट राउंड रहने वाला है इसके अंदर तो अपन सब कुछ सारे गेम के बारे में यहाँ पर जनरल नॉलेज देखेंगे अपन, और उसके बाद में बच्चों जो सेकेंड रहने वाला है वो क्रिकेट मतलब क्रिकेट स्पेशल रहने वाला है, जहाँ पर अपन आईपीएल के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, कुछ क्रिकेट के रहेंगे, देखेंगे आपके कितने हैं यहाँ पर। क्लासी यहाँ पर कह रहे हैं कि सर बास्केटबॉल नहीं है, बास्केटबॉल नहीं है इसमें, तो बास्केटबॉल बच्चों जिनके जो अच्छा जिस किसी का भी इसके अंदर नाम नहीं आ रहा ना, तो जिस गेम का भी जो आपका फेवरेट है वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो बच्चों। जिस किसी का भी फेवरेट गेम नहीं आ रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर तो बच्चों देख कर यही लग रहा है कि क्रिकेट ने बाजी जीत चुके हैं यहाँ पर, तो इग्नोर यहाँ पर किसी को ही नहीं किया जा रहा है। तो बताओ देखिए आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हो यहाँ पर, अगर आपका फेवरेट गेम का नाम इस लिस्ट के अंदर नहीं है तो। देखो क्रिकेट तो मुझे पता है कि भाई इंडिया का भले क्रिकेट यहाँ पर फेवरेट है, मुझे पता है,
अच्छा कुछ का बास्केटबॉल है यहाँ पर, ओके ये नन ऑफ दीज वाले आई थिंक बास्केटबॉल ही है यहाँ पर। क्विज स्टार्ट होगा बच्चों 9 PM पर, क्विज स्टार्ट होगा आपका, ओके जो बच्चे लेट आए हैं जल्दी से लॉगिन करो बच्चों। अच्छा यहाँ पर IPL नहीं देख रहे हैं, रैना की वजह से रहना नहीं है ना। चलो देखो जल्दी से आओ बच्चों, जल्दी से आओ आप लोग सभी। तो आप लोग ये करो, जब तक मैं एक काम कर लेता हूँ मुझे कुछ, चलिए चलिए ठीक है एक मिनट यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। हैशटैग डालना था मुझे, ये लीजिए ओके। तो चलो ठीक है स्टार्ट करें अपन क्विज यहाँ पर। तो यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द क्रिकेट की है, मुझे मालूम है क्रिकेट की रहने वाली थी, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर, 9 PM तक क्विज स्टार्ट करना है। तो बच्चों जल्दी से रेडी हो जाओ आप लोग सभी और फटाफट से आ जाएंगे सभी के सभी। अगर आपके कोई फ्रेंड वगैरह है तो उनके साथ में जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। अच्छा सबसे अच्छा मॉडरेटर जयदेव साहू व्लॉग है, अच्छा ठीक है। और सर रीच बढ़ाने के लिए इतने मेहनत, रीच बढ़ाने के लिए लेकिन बढ़ती कहाँ है, आप लोग तो सपोर्ट करते नहीं हो बिल्कुल। आते हो बस फटाफट से, मतलब कि मेंटी क्विज देख कर चले जाते हो और कमेंट करते रहते हो कि सर जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। ऐसा नहीं कि मतलब एक बार वीडियो को शेयर कर दें, है ना। अभी खुद का चैनल होता तो 10 बार कह देते हैं, बस ये आप ही का चैनल है। गुड इवनिंग एवरी वन, दिस इज योर मॉडरेटर शालिनी एंड आवर रेस्पेक्टेड सर डियर यूनुस सर, वेलकम टू द लाइव सेशन, इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू यहाँ पर शालिनी, थैंक यू सो मच। इतना बड़ा मैसेज लिखना मतलब कि अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो चलो स्टार्ट कर दें अपन यहाँ पर, या फिर वन मिनट और वेट करें स्टार्ट करें। चलो ठीक है, कुछ बच्चे अगर आने होंगे तो सेकंड राउंड में आ जाएंगे क्योंकि वहाँ पर अपन क्रिकेट का रखने वाले हैं स्पेशल, ओके। तो चलिए बच्चों बेस्ट ऑफ लक, देखते हैं देखिए आपको गेम के केवल खेलते हो या फिर नॉलेज भी रखते हो, जनरल नॉलेज। तो 3, 2, 1 एंड लेट्स सेट गो। क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं देखिए यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉन एज फ्लाइंग सिख। बच्चों इन पे तो मूवी आ रखी है यार, इन पे तो मूवी आ रखी है बढ़िया सी यहाँ पर मूवी आप लोगों ने देखी होगी, देखी है ना, बहुत ही मतलब कि ये मतलब कि अभी हाल ही में बच्चों इनका। तो मीका सिंह बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना फ्लाइंग सिख जो थे वो कौन थे, कौन जाने जाते थे इंडिया के, वो थे बच्चों मीका सिंह थे, है ना। आप बता सकते हो कि वो किस गेम से एसोसिएट, किस गेम से रिलेटेड थे वो, बताइए। देखो भाग मीका भाग, हाँ मूवी आई थी बच्चों भाग मीका भाग, जो कि अपने आप में बच्चों बहुत ही शानदार मूवी थी। अगर नहीं देखी हो तो ज़रूर देखना आप लोग, कुछ वहाँ पर सीन तो मूवी के अंदर इतने शानदार होते हैं कि मतलब कि ऐसा लगता है कि अभी सब कुछ बड़े बड़े छोड़ दें और जाएं और रेसिंग करें अपन जाकर इंडिया के लिए, मतलब गोल्ड मेडल जीत के आए, ये भावनाएं आ जाएगी आपको। लेकिन जैसे ही मूवी ख़त्म होती है तो तब तक पता ही नहीं कहाँ चली जाती है, मतलब कि वो जोश कहाँ ख़त्म हो जाता है। तो चलो देख रैंक पर, तो आदित्य थोर, फिर माही, आयुष, आयरन मैन द ग्रेट और सृष्टि, क्रिस और जयदेव और भूमिका साहू, वेल डन बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्या ऐसा है क्या, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट एनी ओलंपिक गेम। बच्चों बताओ देखो सबसे पहले जीतने वाले वो गोल्ड मेडल कौन थे इंडिया के, जो अब इंडिविजुअल थे मतलब किसी के साथ नहीं, अलग से अपने आप में। तो बच्चों बिल्कुल आप लोगों को नॉलेज अच्छी खासी है यहाँ पर, कुछ कह रहे हैं पता नहीं है लेकिन बच्चों आप लोगों को मालूम होना चाहिए। हेलो सर आपकी ग्रीन स्क्रीन कहाँ है, ग्रीन स्क्रीन बच्चों यूज़ करेंगे, चलो ठीक है
मैं लास्ट में इतना थोड़ा सा इतना जल्दी फास्ट रहता हूँ, लेट हो जाता हूँ, इसलिए नहीं कर पाता हूँ। बट कल बच्चों, कल अगर क्लास होती है तो डेफिनेटली अपन ग्रीन स्क्रीन यूज़ करेंगे, ओके। कल ग्रीन स्क्रीन के साथ में यूज़ करेंगे अपन। तो यहाँ पर बच्चों बात करें, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर रैंक में बच्चों एक नेम यहाँ पर न्यू नेम ऐड हुआ, यहाँ पर ए हुआ बच्चों नैन्सी, और नैन्सी भी बच्चों नैन्सी और माही टू न्यू नेम है जो बच्चों यहाँ पर ऐड हुए हैं। तो वेल डन बच्चों, आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट किया यहाँ पर। और थॉर ने यहाँ पर फास्टेस्ट आंसर किया जो कि सेकेंड रैंक पर। यहाँ पर हाउ मैनी मेंटी बच्चों, यहाँ पर टू मेंटी, देर आर टू मेंटी, ओके। तो यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड फिर आंसर कीजिए। उसके बाद बच्चों आपको क्रिकेट के लिए रेडी रहना है, मजा आने वाला है क्रिकेट के अंदर। व्हाट इज द नेम ऑफ पर्सन विच कंट्रोल्स ए फुटबॉल मैच बच्चों, फुटबॉल मैच कंट्रोल करने वाले को अपन क्या कहते हैं यहाँ पर, एम्पायर, क्या कहेंगे, गोल कीपर कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, गोल कीपर, ये मत कर देना गोल कीपर। बिल्कुल सही है, मतलब एम्पायर, मतलब आप लोगों का क्या है, मतलब क्रिकेट अगर फेवरेट है तो क्या, मतलब सर जगह आप लोग एम्पायर लगा दोगे आप लोग, हाँ नहीं, अगर क्रिकेट फेवरेट है, ज़्यादातर क्रिकेट चलता है, तो ऐसे में क्या आप लोग एम्पायर लगा दोगे क्या, और ये गोल कीपर कैसे हो सकता है, मतलब गोल कीपर कंट्रोल कर रहा होता है सब कुछ। आईपीएल के क्वेश्चन है क्या, हाँ बच्चों है, लेकिन वो सेकेंड राउंड में है, ओके। चलो नेक्स्ट, तो कुछ भी तो यहाँ पर बच्चों माही, यहाँ पर देखो फास्टेस्ट आंसर क्या है, माही कौन, महेंद्र सिंह धोनी, हाँ एक तो वो है हमारे माही, सबसे कूल मतलब कैप्टन अगर देखा जाए तो कौन है हमारे माही, माही से नाम याद आ रहा है कि कौन है वो, कमेंट करके बताओ, देखिए हमारे माही कौन है, माही के नाम से जाने वाले फेमस क्रिकेटर, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडिया, शाबाश, यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों आप लोग। तो धोनी बच्चों बिल्कुल सही कह रहे हो, MSD, शाबाश, गुड, ये हुई ना कोई बात, महेंद्र सिंह धोनी, शाबाश। लेकिन ये माही नाम किस हिसाब से पढ़ा ये नहीं सुनाया, कोई बात नहीं, सिक्स पैक गेमिंग कोई दिक्कत नहीं। द नेशनल गेम ऑफ जापान इज, बताओ, मत कर देना, शाबाश, सुमो रेसलिंग बच्चों, बिल्कुल। अरे आप लोगों ने देखा होगा यार जापान के अंदर, मतलब जो कोई भी मूवी देखोगे, कोई स्पोर्ट्स देखोगे, तो जापान वाले लोग कैसे कहते हैं, मतलब सुमो रेसलिंग आउट देते हैं, पहलवान टाइप, पहलवान तो नहीं कहेंगे, मोटे, मतलब मोटे भी क्या कहें, मतलब कि सुमो रेसलर कहेंगे अपन उनको, ओके। चले तो आइस हॉकी टेनिस तो नहीं है, टेनिस कहाँ का है बच्चों आप लोग बता सकते हो, टेनिस कहाँ का, मतलब कि नेशनल गेम है, बता सकते हो आप लोग, नहीं ऐसा नहीं बोलते यहाँ पर गीतांशु, ऐसे टाइम यूज़ नहीं कर सकते अपन किसी के लिए, मतलब ये हमारे इंडियन है, मतलब कि कोई भी ऐसा दिखा बस बोल डालो, ये अंदर की भावनाएं के बाहर निकल के आ रही है गीतांशु की। चले तो बच्चों यहाँ पर ठाकुर आदित्य टॉप पर है, आयरन मैन, आयुष, माही, थोर, नैन्सी, क्रिस गेल, हुमेक, जयदेव साहू, और अभी यहाँ पर न्यू नेम ऐड हुआ बच्चों यहाँ पर, हाँ टेनिस USA। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल सही आंसर है, और अभी ने यहाँ पर न्यू नेम ऐड हुआ यहाँ पर, इंडिया का तो नेशनल गेम मालूम है ना, इंडिया का नेशनल गेम तो मालूम है ना, चलो कमेंट करके बताओ, देख इंडिया का नेशनल गेम, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी करो और कमेंट करके बताओ, हाँ गीतांशु सही है, कोई क्रिकेट मत लिख देना नहीं तो भरोसा उठ जाएगा मेरा हॉकी से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द ICC एज ए क्रिकेटर ऑफ द 20th century बच्चों, जो कह रहे हैं ना क्रिकेटर, तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर, तो क्रिकेटर जानने वालों तो ध्यान रखिएगा, जो कपिल देव है उनको अपने क्या क्या, मतलब उनको क्या रखा गया था, डिक्लेयर किया गया था उनको क्रिकेटर ऑफ द 20th century, ओके। हाँ बच्चों हॉकी अपने इंडिया का क्रिकेट, मतलब इंडिया का नेशनल गेम है, क्रिकेट नहीं है, ध्यान रख लेना, ऐसा नहीं है कि क्रिकेट सबसे ज़्यादा खेलते हैं अपन तो क्रिकेट ही हमारा नेशनल गेम हो गया, नहीं। इसके बाद में बच्चों यहाँ पर सेकेंड जो राउंड रहेगा, जो भी कह रहे हैं ना कि बच्चों और क्वेश्चन, तो सेकेंड राउंड के अंदर आपको करना है, सेकेंड राउंड के अंदर आपके स्पेशल क्रिकेट स्पेशल रहने वाला है आप लोगों के लिए, ओके। तो बच्चों यहाँ पर आदित्य यहाँ पर टॉप पर है, और आयरन मैन और आयुष यहाँ पर जो गलत कर चुके हैं, थोर, माही, आयरन मैन, नैन्सी, आयुष, भूमिक, अभी सृष्टि, देखो सृष्टि भी देखो यहाँ पर अच्छा कर रही है यहाँ पर,
और मंजरी, ये भी इन्होंने मंजारी मंजरी जो भी नाम है, गीतांशु मतलब क्या होता है, आपने टर्म क्या यूज़ की उन लोगों के लिए, मतलब सुमो रेसलर के लिए गीतांशु। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, आप देखना अपने कमेंट को। तो नेहरू ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम बच्चों, ये तो बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। अरे नहीं मोटा तक तो ठीक है, यहाँ पे ये अलग ही वर्ड यूज कर रहे थे। 20 वॉचिंग एंड 12 लाइक्स नॉट जस्टिफाइड गिव यू अटेंड बाय लाइकिंग द वीडियो सो यू आर सपोर्ट बाय लाइकिंग द स्ट्रीम। थैंक यू यहाँ पर शालिनी, थैंक यू, आपने इतना बड़ा मैसेज लिखा वही काफ़ी हमारे लिए। तो बच्चों ध्यान रखना, अब ऐसा नहीं है कि भाई हॉकी हमारा नेशनल गेम है तो नेहरू नाम से जो ट्रॉफी है वो हॉकी रहेगी। बच्चों ध्यान रखना फुटबॉल गेम के लिए, फुटबॉल गेम के लिए नेहरू ट्रॉफी मतलब दी जाती है, मतलब ध्यान रखना। ओके ओके कौशल अली चलो जल्दी से आ जाओ आप जल्दी से, अभी एक क्विज और बनने वाला है तो अभी आप लेट नहीं हो, अभी भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो यहाँ पर बच्चों काफ़ियों ने गलत कर दिया था, ऐसे में रैंक हो गई है डाउन, यहाँ पर टॉप आप पे आ चुके हैं यहाँ पर थोर। ओके ओके हेलो हेलो हाय यहाँ पर, हाँ मुझे मालूम है। तो बच्चों यहाँ पर न्यू नेम तो ऐड नहीं हुआ लेकिन रैंक में बच्चों जरूर चेंज आया, और रैंक में भी और भी चेंज आया क्योंकि आप लोग बच्चों और क्वेश्चन के आंसर गलत करने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए बच्चों यहाँ पर जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। द टर्म गैम्बिट इज एसोसिएटेड विथ, बच्चों किस गेम से एसोसिएट है, यहाँ पर बता दें एक वर्ड ये टर्म कहाँ यूज की जाती है। और बच्चों अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग। ओके हाँ बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर, यहाँ पर जो भी चेस आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, शाबाश गुड, चेस इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर थोर और फास्टेस्ट के आंसर कर रहे थे बच्चों, आदित्य ने किया फास्टेस्ट, लेकिन बच्चों रैंक की बात करेंगे तो थोर यहाँ पर टॉप पर है। तो ऐसे में बच्चों यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हो कि थोर अगर आप चाहते हो कि टॉप पर है ना, तो ऐसे में आपको एक भी क्वेश्चन आंसर गलत नहीं करना होगा क्योंकि उसके जस्ट नीचे आदित्य है, मुझे मालूम है कि अगर आपने एक भी क्वेश्चन आंसर गलत कर दिया तो ये ऊपर आ जाएंगे, उसके जस्ट नीचे वीडियो अटक गया। अच्छा वीडियो अटक गया, वीडियो नहीं कैमरा अटक गया, क्या करे अब ये, मतलब जैसे जैसे गर्मी आती जाएगी। कोई बात नहीं, 1 मिनट का वेट लो आप लोग, सर कैमरा इज स्टॉप। ओके कैमरा को भी ऑन कर देते हैं अपन, ये लीजिए ऊर्जा सिंह सिंह। अभी सही है, कल से ग्रीन स्क्रीन यूज करेंगे अपन। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहां पर चलो। तो क्वींसबेरी रूल्स इज द नेम गिवन टू द रूल्स इन, बच्चों पहले ये बताओ कि ये जो रूल्स है ये बच्चों कौन से गेम के अंदर यूज किया जाता है, क्रिकेट बॉक्सिंग टेनिस हॉकी। शाबाश बच्चों शाबाश गुड वेल डन, ये बताता है कि भई आप लोग ना केवल गेम खेलते हो बल्कि गेम से रिलेटेड नॉलेज भी रखते हो बच्चों, शाबाश वेल डन गुड। तो यहाँ पर एक और न्यू नेम ऐड हुआ बच्चों, यहाँ पर कौशल अली, 3 स्टूडेंट है जिन्होंने गलत कर दिया जिसमें से एक माई है, सेकंड पर आयरन मैन है और एक और स्टूडेंट है जिन्होंने गलत कर दिया, अदरवाइज बच्चों यहाँ पर रैंक तो वही रहे, यहाँ पर कौशल अली यहाँ पर एक न्यू नेम ऐड हुआ, थोर अभी भी यहाँ पर टॉप पर है। ओके मेंटी कोड बच्चों, अगर मेंटी कोड नहीं है तो, अच्छा मेंटी कोड शो नहीं हो रहा क्या आप लोगों को, मेंटी कोड है यहाँ पर 90, मैं लिखता हूँ एक मिनट, मेंटी तो मेंटी कोड है यहाँ पर 9091 9091 और 5649 5649
ये कोड बच्चों जो आपको यूज करने हैं 9091 5649, ओके ये कोड यूज कर सकते हो आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। चलो क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर करोगे। बोट रेस इज ए फेमस फेस्टिवल गेम ऑफ, बच्चों बता देंगे बोट रेस किसका एक फेमस गेम है। तमिलनाडु, केरला, गोवा, असम। बोट रेस कहाँ का बच्चों? शाबाश, गुड, वेल डन बच्चों, वेल डन, शाबाश। केरला बच्चों, ध्यान रखना केरला का जो बोट रेसिंग जो गेम है ना वो फेमस है, याद रखना आप लोग। अच्छा तो और ये आपकी स्टेट है क्या? चलो ठीक है, फिर तो करेक्ट होना ही था, फिर तो करेक्ट होना था बच्चों। आपके स्टेट से अगर कोई क्वेश्चन आए ना फिर तो आपको सही करना ही है, ओके। केरला बोल, चलो केरला से यहाँ पर टू स्टूडेंट है जो केरला से यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10। चलो लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि इस राउंड के विनर कौन निकले हैं, उसके बाद में देखते हैं सेकंड राउंड कौन कौन इंटरेस्टेड है। चलिए बताइए बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, इंडिया वन इट्स फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड इन, बच्चों तो कब जीती थी? ये तो बहुत ही मतलब कि क्वेश्चन ऐसा आ गया कि भाई ये तो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, क्योंकि ईयर याद रखना पाना बच्चों मुझे मालूम है कि इस बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। स्पेशली बात करें जब अपन हिस्ट्री वगैरह की, हिस्ट्री में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में होती है? ये ईयर याद रखने बच्चों। तो कोई बात नहीं, काफ़ियों ने गलत किया है, यहाँ पर 4 स्टूडेंट थे जिन्होंने सही किया, बाकियों ने गलत किया, ओके। तो कोई बात नहीं, 1928 में बच्चों, ध्यान रखना 1928 याद रखना। ओहो यहाँ पर ओनली वन स्टूडेंट जयदेव साहू जिन्होंने सही किया है, अदरवाइज बच्चों सब ने गलत किया है। लेकिन फिर भी बच्चों आज जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो थोर है यहाँ पर आज के विनर बने हैं बच्चों यहाँ पर, तो बहुत मशक्कत के बाद बच्चों आज यहाँ पर बने हैं यहाँ पर। तो वेल डन यहाँ पर, गुड, शाबाश, ओके। क्या कह रहे हो आप लोग? 1948, सर थोर केक लिया, मतलब इन्होंने देखो इनका इमोजी भी ऐसा है विनर का है, मतलब केक जीतने का यहाँ पर, विक्ट्री का, वेल डन, गुड। तो बच्चों एक और यहाँ पर क्विज है जो होना बनता है यहाँ पर, एक और क्विज है। चलो आप लोग बताओ रेडी हो क्या? आप लोग बताइए, आप लोग रेडी हो क्या? बताओ, देखें ये देख लो बच्चों आपके सामने, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 1948 होगा, तभी तो ठीक है ना, 1928 आपके सामने शो कर दिया मैंने। अगला मेंटी बच्चों क्रिकेट का है, बताओ आप लोग चाहते हो क्या? देखो यहाँ पर लिख रखा क्रिकेट मेंटीमीटर, बताओ करें अपन यहाँ पर। हाँ अगला मेंटी क्रिकेट का है ना, आप लोग रेडी हो ना? पहले बताओ, देखे रखे क्विज, बताओ हो जाए क्या? चलिए तो यहाँ पर बच्चों अपन करते हैं स्टार्ट यहाँ पर क्रिकेट के लिए, तो उसके लिए मैं एक मिनट के लिए मैं आप लोगों को वेट कराऊंगा कि मैं थोड़ा सा सेटअप कर देता हूँ बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को लिंक वगैरह ना दिखे, उसी के लिए मैं सेटअप कर रहा हूँ बस यहाँ पर, ओके। थीम हम यूज़ करेंगे बच्चों यहाँ पर, ये ब्लू वेव यूज़ करेंगे अपन, चलिए। तो ये लीजिए कोड आप लोग, और अच्छे क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आपको आईपीएल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, आईपीएल जो कह रहे थे ना आईपीएल सर, तो आईपीएल के क्वेश्चन दिखने वाले हैं आप लोगों को, ओके। चलिए
ये लीजिए आप लोग और कोड यूज़ कीजिए, जल्दी से बच्चों कोड यूज़ कीजिए आप लोग। सर लगता है कि कोई बिगनर आया है पीसी का, इसलिए फोर प्रेस करने को बोल रहा है। अरे अलर्ट, मालूम है क्या होता है इसे, मालूम है क्या आप चाहते हो कि भाई इसको मतलब इस मेंटे की इसको बंद कर दे, अपन यही चाहते हो क्या? ओके तो बच्चों देखो जल्दी से आ जाओ। सबसे पहले आप अपनी फेवरेट टीम का नाम लिख के बताओ, आपकी आईपीएल की फेवरेट टीम कौन सी है उसका नाम लिख के बताओ आप लोग जल्दी से। चलिए जल्दी से नाम लिख के बताइए, और कोड वगैरह तो मैं आपको शो कर देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर कोड जयदेव साहू, थैंक यू। यहाँ पर 9686 3096 ये कोड है बच्चों जो आप लोगों को यूज़ करना है। ओके चलो देखिए यहाँ पर कुछ की एम आई है, कुछ की आरसीबी है, कुछ की केकेआर है, किसी की यहाँ पर मुंबई इंडियंस, आरसीबी, केकेआर, चलो और कई है किसी की फेवरेट टीम। और अगर बच्चों फर्स्ट टाइम हो तो ज़रूर यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि बच्चों कल वापस आपका क्विज होगा, कल अपन रखेंगे, कल किसका रखें बता देंगे, कमेंट करके बता देना आप लोग। तो किन्हीं की सी एस के भी है यहाँ पर, सी एस आर सी बी भी है, चलो देखिए यहाँ पर एम आई, आर सी बी, के आर, आर सी बी, और अभी तक तो आर सी बी आ गए हैं, सी एस के, सी एस के, सी एस के, सी एस के, आई एम फ्रॉम बेबी ए बी, मैं हूँ बेबी ए बी, मैं हूँ, ओके, के आर, गीतांशु के आर, एम आई, एम आई, एम आई, आर सी बी, ओके, कुछ आर सी बी कह रहे हैं, आर सी बी को जिता रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर कौन जीतती है, यहाँ पर आर सी बी जीतती या फिर के आर जीतती है। यहाँ पर आप लोग चाहते तो बच्चों यहाँ पर अपने नाम के साथ में अपनी टीम का नाम लिख सकते हैं, सारे क्वेश्चन बच्चों क्रिकेट के रहेंगे, मज़ा आना। अच्छा तो कोई केरला का लिख कर यहाँ पर लिख रहा है एम आई का, अच्छा केरला की तो कोई टीम नहीं है, आर सी बी, आर सी बी क्यों है, विराट कोहली की वजह से। हाँ स्टार्ट सर प्लीज़, चलो तो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन के साथ स्टार्ट करते हैं, मतलब आप सोच के देखो यार, मतलब आई पी एल का यहाँ पर क्या हो रहा है, मेंटी क्विज हो रहा है, मतलब आप लोग सोच भी सकते हो क्या, ये बस सिर्फ और सिर्फ आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। आप कोई भी चैनल देख लेना जहाँ पर आपको आईपीएल का और क्रिकेट का आपको मेंटी क्विज देखने को मिल रहा है, तो इस चीज़ के लिए बच्चों एक तो लाइक बनता है यार, आप लोग मानो नहीं मानो, अब तक मैंने बोला नहीं लेकिन अब तो बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ आपको बच्चों कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और जो ट्रियो जो अच्छा वीडियो अटक गई वापस, ये वीडियो का तो मतलब मुझे लग रहा है इसको, ये जो आप लोग मतलब कि सपोर्ट नहीं कर रहे हो मतलब दिल से, तभी ये दिक्कत आ रही है। चलिए ओके, तो बच्चों यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर गलत कर दिया काफ़ी बच्चों ने। तो बच्चों अगर आप लोग स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो ना आईपीएल, तो आपको मालूम होना चाहिए जो सबसे फास्ट जो सेशन था ना, जिसके अंदर जो आईपीएल के अंदर जो नंबर ऑफ टीम्स थी ना वो कितनी थी, एट थी बच्चों, कितनी थी, एट। तो यहाँ पर ओ हो मतलब आज तो सबके सब यहाँ पर बेबी ए बी के 4-6 किसने देखे, अच्छा ए बी कौन, ए बी डिविलियर्स, उसके बाद में सी एस के, हार्दिक, वी के, विराट कोहली, गोट द गोट लेजेंड, थोर, सिम्बा, आर सिम्बा क्या मतलब, आर सी बी, मंजारी, और शिवांश, और यूनुस सर इज जीनियस, राजवरत, थैंक यू यहाँ पर, थैंक यू सो मच बच्चों। यहाँ पर नो इंटरेस्टेड फॉर आईपीएल, कोई बात नहीं, आईपीएल से क्वेश्चन नहीं आएंगे, कुछ क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे जो आपको मजा आने वाला होगा उन क्वेश्चनों के अंदर, देखते हैं। अच्छा ए बी नहीं, न्यू प्लेयर इंस्पायर फ्रॉम ए बी, ओके। व्हाट वाज द फाइनल वेन्यू ऑफ द आईपीएल 2022, क्या आप लोगों को मालूम है कि 2022 का जो आईपीएल का जो फाइनल जो मैच होने वाला है बच्चों वो कहाँ पर होने वाला है, ये है असली नॉलेज बच्चों, मतलब देखते हैं कि कितने बच्चों आईपीएल को केयरफुली देखते हैं कि फाइनल कहाँ पर होने वाला है। ओ हो
मतलब एक भी मतलब आप लोग क्या करते हो क्रिकेट में, वैसे वही 4 और 6 देखते हो, बता लो चौके और छक्के देखते हो और कुछ नहीं देखते हो, मुझे लग रहा है। आपको मज़ा किस में आता है, 4 में आता है 6 में आता है, मतलब इसमें नहीं आता आप लोगों को, है ना। आपको ये नहीं पता है कि कहाँ पर होने वाला है, सिर्फ एक होना चाहिए। अब इसको भी मैं गूगल करके दिखाऊँ आप लोगों को, आप लोग चेक करना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका तो किसी ने भी सही नहीं किया, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जब बच्चों सबके गलत होते हैं ना क्वेश्चन का आंसर, तब असली मजा आता है, फिर कोई टेंशन नहीं होती क्लास के अंदर भी, मतलब कि सबका गलत हो गया तो फिर तो मज़ा ही आ गया। और उस बीच में बच्चों सबका गलत हो और एक आप ही का सही हो, फिर तो मतलब पूछो ही मत, मतलब कि जो आएंगे ना जो तेवर आएंगे, मतलब कि जो मज़ा वो तो पूछो ही मत। मतलब आप विच टीम टॉप्ड इन द IPL 2021 पॉइंट्स टेबल, बच्चों सबसे ज़्यादा पॉइंट टेबल किसके थे, दिल्ली कैपिटल्स के, चेन्नई, मुझे पता है CSK के करेंगे, लेकिन CSK के नहीं थे बच्चों, वो दिल्ली कैपिटल्स के थे। लास्ट टाइम जो विनर थी बच्चों कौन थी, पॉइंट टेबल की बात करेंगे तो अपन, मतलब हर बार CSK को जिताना है मतलब, और है भी सीरीज इतनी बार जीत चुकी है CSK कि रुको देगा आप लोग, मतलब कि विच टीम टॉप्ड इन द IPL 2021 पॉइंट्स टेबल, ये लीजिए बच्चों मेरे पास में तो पॉइंट टेबल यहाँ पर निकल चुके हैं यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर DC है बच्चों, यहाँ पर जो आप जो बात कर रहे हो ना वो सेकंड नंबर पे, CSK सेकंड नंबर पे बच्चों, यहाँ पर CSK सेकंड नंबर पे DC है बच्चों, जिसको 20 पॉइंट मिल रखे। ये देखो मैं कैसे दिखाऊँ आपको 20 पॉइंट्स, आप लोग सर्च कर लेना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग बच्चों ध्यान नहीं रखते यार, ये तो गलत बात है, आप लोग बस IPL देखते हो, बाकी पहले आगे पीछे की नॉलेज नहीं रखते हो आप लोग। तो CSK मतलब CSK देखो, अच्छा मतलब CSK को सपोर्ट करते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर किया, वेल डन गुड। उसके बाद विराट कोहली फास्टेस्ट आंसर किया इन्होंने, और उसके बाद में बेबी एबी हार्दिक थोर अक्कू गेमर क्या अक्षय कुमार भूमि सिम्बा RCB मंजरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करो बच्चों आप लोग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर करोगे, चले। तो यहाँ पर बच्चों इन 2022 IPL वो प्लेड फ्रॉम बांग्लादेश से खेलने वाला प्लेयर कौन सा है, मुझे मालूम है आप लोग करोगे साकिब अल हसन, लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो कौन सा होगा, शाबाश वाह यार क्या बात है, आज तो बच्चों आपने मुझे गलत रहा है यार। ये चीज़ देखकर लगता है कि बच्चों आप लोगों को अच्छी खासी नॉलेज आप लोगों को, वेल डन, ये वाला बहुत ईजी था, वेल डन गुड, चलो शाबाश, चलो आप लोगों को मालूम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो काफ़ी उन्होंने सही किया यहाँ पर, तो वेल डन, थोर को छोड़ के, थोर और भूमि को छोड़ के बाकी सब ने यहाँ पे सही किया। कल बच्चों आप लोगों का कंप्लीट क्विज रहेगा, कल आपका हिस्ट्री का रहेगा ना, तो आप लोग हिस्ट्री को रेडी करके आइएगा, कल हिस्ट्री का क्विज होगा आपका। सर एप फिर से अटक गया, ये मोनिका नेगी क्या करे अपन, मुझे लग रहा है मुझे कैमरा बंद ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर करो आप लोग, जब तक क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर करो मैं कैमरे को ठीक करता हूँ। 2022 सेटिंग इज द सेशन ऑफ द IPL, बच्चों कौन सा सेशन है यहाँ पर, 14, 15, 16 कौन सा है, ये तो देखते होंगे ना, बार बार आता होगा यहाँ पर न्यूज़ में, या फिर जब IPL स्टार्ट होता होगा, अगर IPL देखते होंगे तो बच्चों आता होगा बार बार कि कौन से नंबर का IPL ये चल रहा है इस बार 2022 में। नहीं मालूम आप लोगों को, ये हमको दिक्कत दे रहा है, एक मिनट, करेक्ट आंसर मालूम चल गया आप लोगों को, अब तक तो चल गया होगा।
कैमरा वगैरह ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं दूसरी जगह ट्राई करता हूँ, दूसरे स्लॉट में। 2 मिनट का काम बच्चों, बस हो गया यहाँ पर। चलिए तो इस बार सही हो जाएगा। चलिए तो अभी ऑन हो चुका है कैमरा, तो आ जाते हैं अपन वापस अपने क्वेश्चन नंबर पे। तो बच्चों यहाँ पर 15 बच्चों आपको ध्यान रखना, अभी जो आईपीएल चल रहा है ना 2022 वाला, तो बच्चों ये कौन सा सेशन है, ये बच्चों ये 15 सेशन है, ध्यान रखिएगा। अब बच्चों देखो बात आ रही कि सर आप क्यों पूछ रहे हो ये आईपीएल वगैरह के क्यों ले रहे हो, तो बच्चों मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो ना, तो जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ पर बच्चों डायरेक्ट जो भी ये आईपीएल हो गए, जो इंडियन गेम्स हो गए, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं बच्चों। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों यहाँ पर टाइम पास किया जा रहा है, टाइम पास नहीं किया जा रहा, बल्कि आपको गेम के साथ साथ आपके इंटरेस्ट के साथ साथ आपकी नॉलेज भी चेक की जा रही है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, कोई ये नहीं समझेगा यार फालतू टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। तो हाउ मेनी टीम्स पार्टिसिपेटेड इन द आईपीएल 2022 सेशन, इस बार कितनी टीम पार्टिसिपेट कर रही है, 10, 12, 8 और 14 बताओ। देखिए यहाँ पर कितनी टीम पार्टिसिपेट कर रही है, चलिए बताइए कितनी टीम पार्टिसिपेट कर रही है बच्चों यहाँ पर। बिल्कुल करेक्ट आंसर, मतलब ये देख के लगता है कि बच्चों आप लोग आईपीएल देखते हो और सही से देखते हो। तो बच्चों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर, यहाँ पर कितने 10 है यहाँ पर, शाबाज, गुड। तो रैंक में तो कोई चेंज आया नहीं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जीटी आंसर लेग न्यू टीम। सर मैंने ए करा था, रॉन्ग शो कर रहा है, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वो इज द बैट्समैन विथ मोर सक्सेस इन आईपीएल हिस्ट्री बच्चों, सबसे ज्यादा मुझे पता है, एमएस धोनी मत बोल देना आप लोग, एमएस धोनी, सुरेश रैना, शाबाश बच्चों, यहाँ पर एबी डिविलियर्स, मतलब हम तो चाहते हैं कि जो हमारी टीम से हो वो हमेशा जीते, मतलब हमारी टीम का, इंडिया का मतलब जीतना चाहिए भले। हाँ बच्चों एमएस धोनी बहुत अच्छे अच्छे सिक्स लगाते हैं मैं जानता हूँ, लेकिन एबी डिविलियर्स बच्चों यहाँ पर टॉप पर है यहाँ पर। ओके सर, रोहित कहाँ गया, रोहित को तो अपन लाएंगे कहीं ना कहीं तो आएंगे, सीएसके अभी भी टॉप पर बच्चों, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, सीएसके जीतने वाली है सीरीज, तो जीतते रहती ट्रॉफी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द बैट्समैन विद मोस्ट सेंचुरीज इन द आईपीएल हिस्ट्री बच्चों, सबसे ज्यादा सेंचुरी मारने वाले कौन है आईपीएल हिस्ट्री के अंदर, वो कौन बैट्समैन है बच्चों यहाँ पर। ये तो गलत नहीं होना भाई साहब, ये तो हमारे मतलब इंडिया की शान है तुम्हारी, ये बच्चों ये मेरा फेवरेट प्लेयर है, जो आप लोगों ने टिक किया ना, ये मेरा फेवरेट प्लेयर विराट कोहली, भले अभी फॉर्म में नहीं है लेकिन अपना फेवरेट प्लेयर है, मतलब बिल्कुल बंदा क्लासिक बंदा है, बैटिंग देखो ना इसकी, इतनी शानदार बैटिंग करता है, मज़ा आ जाता है, इतनी क्लासिक बैटिंग करता है। चलिए तो यहाँ पर बच्चों गलत कर रहे हैं बच्चों, देखो हार्दिक ने गलत कर दिया, सृष्टि ने गलत कर दिया, बेबी एबी डिविलियर्स ने गलत कर दिया, गीतांशु ने गलत कर दिया, अदरवाइज टॉप करके सीएसके टॉप पर है, विराट कोहली सेकंड रैंक पे है, शाबाश कि विराट कोहली ने इस क्वेश्चन आंसर गलत नहीं किया। ओके ठीक है, विराट कोहली ने गलत नहीं किया। तो नेम ऑफ द टीम विथ हाईएस्ट इनिंग्स स्कोर इन एन आईपीएल मैच बच्चों, अब तक के 14 आईपीएल इनिंग्स मतलब आईपीएल सेशन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली वो आईपीएल टीम कौन सी बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर पूरे नंबर देने वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, शाबाश गुड, आरसीबी यानी कि विराट कोहली की टीम बच्चों, जिन्होंने हाईएस्ट रन बनाए, तो बता सकते हो कि अच्छा लोवेस्ट भी आरसीबी का है, अच्छा लोवेस्ट भी आरबीसी का, तो कोई बात नहीं दोनों तरफ से रिकॉर्ड बना रखे हैं। तो बच्चों यहाँ पर फास्टेस्ट अपन आदित्य ने फास्टेस्ट किया है, अदरवाइज बच्चों यहाँ पर न्यू नेम तो यहाँ पर एड वानी, यहाँ पर एक शेरलॉक होम्स, एक यू न्यू नेम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करो जल्दी से। विच बैट्समैन स्टार्टेड हिज इंटरनेशनल क्रिकेटिंग करियर एट द एज ऑफ 16। बच्चों ये तो यार अब आईपीएल के नहीं बच्चों, अब क्रिकेट के क्वेश्चन आएंगे। क्या इस क्वेश्चन के आंसर की जरूरत है क्या यार आपको बताने की? मतलब कि ये हमारी इंडिया की मतलब पहचान है, ये मतलब सचिन तेंदुलकर बच्चों नाम ही काफ़ी है। विराट कोहली से बच्चों जो फेवरेट प्लेयर जो हुआ करता था मेरा सचिन तेंदुलकर हुआ करता था, पहला सचिन तेंदुलकर फिर विराट कोहली। ये गोल्ड का आंसर, क्या बात है, आज तुक्के सही लग रहे हैं, क्या बात है खुशी, तुक्के सही लग रहे हैं, रैंक में नहीं आ रहे हो आप, क्या रैंक आ रही है आपकी? तो यहाँ पर बच्चों थोर यहाँ पर फोर्थ रैंक पर, यहाँ पर मतलब फास्टेस्ट आंसर करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिराग यहाँ पर न्यू नेम एड हुआ यहाँ पर 89% एनुअल में, ओके कॉन्ग्रेचुलेशन। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करो बच्चों, देखें क्वेश्चन नंबर 11th, एक क्रिकेट मैच इज डिवाइडेड इनटू पीरियड्स इज कॉल्ड, बच्चों देखो पता ना, चलो आंसर करो आप लोग, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कर दोगे। चलिए आंसर कीजिए। तो मोस्ट का सिक्स प्लेयर क्रिस गेल है, अरे तो क्रिस गेल तो ऑप्शन में नहीं आना बच्चों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना था आपको। तो बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर, इनिंग इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर, पावर प्ले नहीं बच्चों, इनिंग की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करो, व्हाट इज कलर ऑफ बॉल यूज्ड इन लिमिटेड ओवर मैच। लिमिटेड ओवर मैच में बॉल का कलर क्या था? अगर आप लोग थंबनेल भी देखा होगा तब भी आप लोग आंसर कर जाओगे। शाबाश, गुड, वेल डन, वेल डन, बिल्कुल सही बच्चों। अगर अपन बात करें 2020 की बात करें अपन, मतलब कि 50-50 ओवर की बात करें तो ऐसे बच्चों कौन सी बॉल यूज़ करते हैं, वाइट बॉल यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। तो इसका तो किसी ने गलत नहीं, मतलब ऐसे मतलब ये हार्दिक नाम लिख करके हार्दिक पांड्या का नाम खराब कर रहे हैं यहाँ पे, कौन है ये नितिन है। हार्दिक पांड्या जब ये देख रहा होगा ना तो उसको दुख हो रहा होगा कि ये कौन है यार जिसने मेरा नाम खराब करा। क्या हार्दिक को इतना सा पता नहीं होगा कि लिमिटेड ओवर में कौन से कलर की बॉल यूज की जाती है? क्वेश्चन नंबर 13, हाँ ये वाला सबको पता होना चाहिए था यार। फॉर ए क्रिकेटर द इनिशियल LBW स्टैंड फॉर, LBW बोलते तो बहुत बच्चे, LBW आउट, अपील भी बहुत करते हैं, LBW सबसे ज्यादा अपील मुझे लगता है इसी में होती है, सबसे ज्यादा अपील होती होगी ना इसी में होगी। क्रिकेट मतलब कैच में इतनी होती नहीं है क्योंकि क्लियर पता चल जाता है, LBW में सबसे ज्यादा अपील की जाती है आउट। ठीक है तो बच्चों ध्यान रखना, लेग बिफोर क्रिकेट साफ विकेट, सॉरी लेग बिफोर विकेट। चलो चलो ठीक है, मालूम है यार आप लोग जानते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर किसने नहीं किया? हार्दिक ने जो रैंक यहाँ पर अपर की यहाँ पर, और इसके बाद में बच्चों 14th क्वेश्चन जल्दी करें फटाफट से। तो इज ए फेमस बॉलर हु इज नॉन फॉर डेडली यॉर्कर्स एंड स्लिंगी एक्शन, बच्चों यॉर्कर बॉल फेंकने के नाम पर फेमस बच्चों, वो पहले मुंबई इंडियन के तरफ से खेला करते थे बच्चों यहाँ पर। तो अब आप लोग आंसर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा यॉर्कर पर यॉर्कर खेल पाना बहुत मुश्किल होता था, थोड़ा उनका मतलब एक्शन भी थोड़ा अटपटा सा है। तो आप लोग आंसर कर दोगे बच्चों यहाँ पर, क्या हुआ? बिल्कुल करेक्ट आंसर बच्चों, ध्यान रखना लसित मलिंगा है ना, आपको मालूम होना चाहिए बच्चों जो लसित मलिंगा होता ना उनका एक्शन देखा कि आप लोग घुंघरालू से बाल कर्ली हेयर उसके हैं, मतलब अलग ही मतलब बॉलर है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं। तो चिराग ने गलत कर दिया यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर आदित्य ने फास्टेस्ट किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, चलो जल्दी से आंसर करोगे आप लोग। इज द एम्पायर हु इज वेल नोन फॉर हिज डिस्टिंक्टिव
सिग्नलिंग स्टाइल। अच्छा आप लोगों ने अगर पुरानी वीडियो देखी हो तो आप लोगों ने एक एम्पायर थे जिनका एक मतलब एक अजीब मतलब एक अलग ही तरीका का अंदाज था उनका, मतलब कि जो भी सिग्नल देने उनको आउट का देना है, सिक्स का देना है, फोर का देना है, मतलब एक बहुत अलग ही तरीके से। तो बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर बच्चों सी आंसर है बिली बॉर्डन, ये आपको नाम याद रखना है। अगर अभी तो चलो नहीं करते हैं लेकिन पहले बच्चों इतना शानदार, आप लोग देख लेना उनकी वीडियो यूट्यूब पे, आपको मज़ा आ जाएगा उनकी एम्पायरिंग देख कर। अच्छा 2008 से 2011 तक थे भी सिर्फ आई पी एल के अंदर, आई पी एल में भी उन्होंने की बच्चों यहाँ पर। नहीं ये हार्ड क्वेश्चन तो नहीं था, हाँ उनका तो चेहरे से याद होगा लेकिन नाम याद रह पाना बच्चों थोड़ा मुश्किल होता है, मैं मानता हूँ। इंडिया के होते तो चलो याद भी रहते, राम प्रसाद हो गया, चेतन लाल हो गया, यहाँ पर पंकज हो गया, राहुल हो गया, इंडिया के नाम कितने आसान है मतलब कि फटाक से याद हो जाते हैं सिवाय यूनुस सर का नाम छोड़ के, लेकिन इनके नाम मतलब कि अभी भी वापस बच्चों को कहो ना कि नाम लिखना उनका बिल्ली के बाद में क्या नाम था लिखना देखे। हाँ चेहरा छोटा सा पतले से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करते हुए देखा आप लोग। क्रिकेट टीम होल्ड टॉप पोजीशन इन आईसीसी टेस्ट इंटरनेशनल रैंकिंग 2021 के अंदर बच्चों सबसे ज़्यादा टॉप पर रहने वाली टीम कौन सी थी? नहीं आएगा क्वेश्चन का आंसर, ये आ जाएगा, देखते हैं कितने सही कर पाते हैं गलत कर दिया। मतलब हमको पता है, हम तो चाहेंगे कि इंडिया हमेशा कहाँ पर रहे बच्चों टॉप पर है, पर बच्चों अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर 2021 के अंदर कौन थी? न्यूजीलैंड थी। ओके तो यहाँ पर टू ही स्टूडेंट जिन्होंने सही किया, सी एस के और विराट ने, बाकियों ने सब ने गलत कर दिया यहाँ पर। चलो 17 क्वेश्चन, बहुत क्लोज बच्चों पहुँचने वाले हम लास्ट के क्वेश्चन, तो थोड़े से डिफिकल्ट रह सकते हैं। क्रिकेट टीम होल्ड टॉप पोजिशन इन आईसीसी ओडीआई इंटरनेशनल रैंकिंग 2021 बच्चों वनडे के अंदर इंटरनेशनल रैंकिंग में कौन सी टीम थी जो टॉप पर थी बच्चों वनडे में? तो ये क्वेश्चन भी बच्चों थोड़ा सा दिक्कत है, शाबाश गुड, मतलब दिमाग लगा लिया, मतलब इंडिया का रहा पिछली बार, न्यूजीलैंड का रहा तो इसमें भी न्यूजीलैंड रहा होगा, शाबाश गुड, ये मानना पड़ेगा। कुछ बच्चे तो मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके आंसर कर रहे हैं, तो वेल डन बच्चों, शाबाश गुड। ठीक है तो सीएसके विराट ने गलत कर दिया और हार्दिक कितांशु ने काफ़ी ने गलत कर दिया यहाँ पर। तो आरसीबी नेम बच्चों रैंक में आ चुका है यहाँ पर, देखते हैं जीतते हैं या नहीं जीतते हैं यहाँ पर। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्रिकेट टीम होल्ड टॉप पोजीशन इन आईसीसी टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग 2021 बच्चों 2021 में टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में कौन से नंबर की थी टॉप पोजीशन बच्चों बता देंगे। अब भी क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे, मतलब शाबाश, अच्छा इंग्लैंड बच्चों शाबाश इंग्लैंड, मतलब 5 स्टूडेंट ने आंसर किया, बहुत हिम्मत रखी होगी बच्चों, बहुत ही हिम्मत रखी होगी इस क्वेश्चन आंसर करने के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे न्यूजीलैंड सोचेंगे, कुछ इंडिया सोचेंगे, और ऐसे में कि इंग्लैंड सोचना बहुत मुश्किल था, लेकिन कुछ बच्चों ने सोचा है और आंसर किया है, जिसमें से एक सी एस के हैं, कौशल अली है, एक श्री लॉक है यहाँ पर, शेर लॉक है। तो सी एस के अगेन फास्टेस्ट आ चुके हैं बच्चे यहाँ पर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर क्लियर कर पाते हैं यहाँ पर। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ विराट कोहली इन ओडीआई इंटरनेशनल रैंकिंग? और कल जो बच्चों क्विज होगा आपका हिस्ट्री का रहने वाला, तो आप लोग कल जरूर रहेगा, हिस्ट्री का क्विज होगा, बहुत शानदार होगा, मजेदार होगा, मजा आएगा बच्चों, तो कल आप लोग जरूर आएगा हिस्ट्री का। ओके ना, कल हिस्ट्री का रखे क्विज अपन, कल हिस्ट्री का रखे अपन। तो बच्चों यहाँ पर सीएसके ने लास्ट क्वेश्चन को जाकर गलत कर दिया, लेकिन रैंक में चेंज नहीं आएगा बच्चों, रैंक में चेंज नहीं आने वाला, रैंक में यहाँ पर सीएसके टॉप करने वाले और आज के विनर बनने वाले। देखो चेन्नई सुपर किंग आईपीएल जीते हैं ना जीते, यहाँ पर तो जीत चुकी है, आदित्य यहाँ पर सेकंड रैंक पर है, विराट थर्ड रैंक पर है, थोर फोर्थ, सृष्टि, हार्दिक, गीतांशु, कौशल, चिराग और आरसीबी। ये हो चुका बच्चों आप लोगों का क्विज कंप्लीट। ओके अब बच्चों कल आपका क्विज होगा, मैं सोच रहा हूँ हिस्ट्री का, तो
तो बताओ आप लोग एग्री करते हो क्या कल हिस्ट्री के लिए? 11th पोजीशन खुशीनार, वेल डन, गुड। कल बच्चों 9th का भी होगा, 10th का भी होगा, कल 9th और 10th दोनों का होगा हिस्ट्री का, तो आप लोग जरूर आएगा और अपने फ्रेंड को भी बोलिएगा। कल हिस्ट्री रखेगा अपन, तो कल हिस्ट्री का रहेगा बच्चों, कल आप लोग जरूर आएगा। ओके कौशल अली, वेल डन, गुड। तो कल हिस्ट्री का रहेगा तो आप लोग जरूर आना, 9th का भी होगा और 10th का भी होगा। ओके ओके, और कुछ तो बोलना है क्या? चलो ठीक है, कल हिस्ट्री का रखते हैं अपन। ओके तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं टुमारो एट द सेम टाइम। ओके बाय बाय, टेक केयर बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेसन यहाँ पर CSK। ओके बाय बाय, टेक केयर। और फर्स्ट टाइम आया तो जरूर बच्चों चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, कल भी क्विज होगा। ओके चैप्टर कौन सा रखें अपन, है ना? चैप्टर बच्चों देखो, चैप्टर आपके अगर मैं बात करें अपन, तो यहाँ पर चैप्टर की बात करें तो क्लास तो अगर मैं सिलेबस के एक बार सिलेबस देख लेता हूँ, फिर उसके बाद में बताते हैं। तो साइंस, सोशल साइंस का सिलेबस, सोशल साइंस इसमें इंडिविजुअल नहीं है ना? हाँ क्लास 10th का बताएंगे, मतलब क्लास 10th 9th दोनों का देखेंगे, कल दोनों का क्विज होगा हिस्ट्री का। तो ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड तो नहीं है, और कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशलिज्म एंड यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो बच्चों ये सेकंड चैप्टर रखेंगे अपन, बता देंगे सेकंड चैप्टर एग्री करते हो क्या? क्लास 9th सेकंड चैप्टर, ओके नहीं, अच्छा तो फिर इसका रखें नाजिम्स एंड राइज ऑफ हिटलर, ये रखें बच्चों बताओ। चलो ठीक है, तो कल जो बच्चों क्विज होगा ना आपके क्लास 9th का हिस्ट्री का होगा इस चैप्टर का, ओके चैप्टर 3 का होगा। और जबकि क्लास 10th की बात करें अपन, क्लास 10th के लिए बात करें तो क्लास 10th क्लास 10th के लिए रखेंगे अपन हिस्ट्री आउटलाइन नेशनलिज्म इन इंडिया और इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ नेशनल इंडियन। ये रखेंगे इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। अच्छा ये तो इसी के अंदर चैप्टर सेकंड में नेशनलिज्म इन इंडिया, बच्चों इसी का क्विज होगा कल क्लास 10th आपका जो क्विज होगा इस सेकंड चैप्टर का होगा नेशनलिज्म इन इंडिया, इस चैप्टर का क्विज होगा। ओके तो कल आप लोग पढ़ के आइएगा। तो ओके बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं, अब सी यू टुमारो। ओके बाय बाय बच्चों, कल मिलते हैं।